तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि पता है, दिल्ली में सभी बच्चों का समर कैंप चल रहा है, खास कर क्लास 3rd to 9th का, जिनका असेसमेंट भी होना। असेसमेंट मतलब जैसे पहले होता था ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी, जब स्कूल ऑफ था, तो उसी प्रकार से आपका फिर से असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन होगा, टेस्ट होगा, और उसको आपके पेरेंट्स के साथ शेयर भी किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे असेसमेंट डेट के बारे में, साथ में सिलेबस क्या होगा, किस हिसाब से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मेंशन किया गया यहाँ पर, यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर 14 में लिखा, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम जून 14, 2022 टू जून 15, 2022। मतलब जो असेसमेंट डेट है आपकी वो 14 जून को या फिर 15 जून को, दो दिन आपके असेसमेंट होने हैं, तो आगे पीछे हो सकता है किसी भी दिन, ठीक है, अलग अलग, तो ध्यान रखना। तो 14 से 15 दो दिन के बीच में आपका असेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, लर्निंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी शेयर्ड विद द पेरेंट्स ऑन जून 18, 2022, और जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो आपके मार्क्स आएंगे, उसको आपके माता पिता के साथ शेयर किया जाएगा 18 जून को। आगे लिखा गया है, द असेसमेंट डेटा शुड बी अपलोडेड इन मिशन बुनियाद मॉड्यूल बाई जून 17, 2022। मतलब कि जो असेसमेंट डेटा होगा उसको 17 जून को अपलोड कर दिया जाएगा, 18 जून को आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, और 14-15 जून को आपका असेसमेंट होना है, ठीक है ना, इसकी डेट है। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो चाहे मिशन बुनियाद की बुक है, हमारा गणित, या फिर हिंदी कहानी की बुक है, या फिर जो भी प्लस माइनस जमा घटा गुणा भाग वगैरह वगैरह पढ़ाया जा रहा है, वही क्वेश्चन आपके होंगे, कुछ अलग से नहीं होगा। जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, सिंपल बेसिक, वही क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 3rd to 9th सबके लिए बता रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना। जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन होंगे, ईजी होंगे, बेसिक पढ़ाया भी जा रहा है तो बेसिक क्वेश्चन भी होंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप अच्छे से तैयारी कर लो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आई होप सारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।